आपका चैनल में बोल रहा हूँ, इटली शासन आपने ममता का देखा, ममता कर रही है कि मोदी कर रहा है? जांच जांच क्यों नहीं हो रही? कल जो बंगाल में इंसिडेंट हुआ है, ममता सरकार ने सीबीआई को गिरफ्तार करवा लिया अपनी, तो मोदी सरकार ने ममता सरकार के ऊपर, उस पे आपकी क्या राय है? उस पे रात नहीं है, मेरा ये है कि भाजपा सरकार की दादागिरी के कारण ये सब सीबीआई के छापे पड़ रहे थे, इसके कारण ममता सरकार ने पुलिस से दबाव डाला है। अच्छा। और भाजपा सरकार की एक दादागिरी है। 2019 में कौन? राहुल गांधी। 2019 में मोदी आएगा, 100% आएगा, कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता उनको। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी में है क्या, समझ क्या उनमें, अभी नादान है वो। नादान है? हाँ। 48 ईयर के क्या, वो अभी बच्चे की तरह ही है, किसी पीछे की तरह कोई भाषण देते हैं, उनके कमेंट्स वो सुन के और उनके बात में ये बोलते हैं। अच्छा। खुद के लैंग्वेज नहीं इनकी। राहुल गांधी नहीं आएंगे? राहुल गांधी 100% नहीं आएंगे। तो कौन? मोदी। मायावती और अखिलेश? कोई नहीं, कोई चांस नहीं है। मायावती अखिलेश उनके आगे पानी भरेंगे। दूसरी बात, आपने कहा ममता, ये ममता के लिए, मैडम के लिए, ममता ने कल क्या किया देश को बर्बाद करने के लिए? इन्होंने सीबीआई को, देश को बर्बाद करने के लिए अपने कानून, अपना कानून, ममता कानून बना के उनके ऊपर सीबीआई को अपने अंडर में लेके उनके साथ गिरफ्तार की गई। दादागिरी से कांग्रेस सरकार की है, ममता की है। ये अगर ये हालात रहा हिंदुस्तान में, आने वाली में ऐसा अत्याचार होगा कोई पूछ नहीं सकता है। इतना भयंकर अत्याचार अगर ममता बनर्जी कर सकती है, बाकी वाले सब कर सकते हैं, कानून इनके ऊपर लागू हो ही नहीं सकता है। हिटलर शासक है, हिटलर शासक आपने देखा, आपका चैनल में बोल रहे हो, हिटलर शासक आपने ममता का देखा, ममता कर रही है कि मोदी कर रहा है? जांच क्यों नहीं होती? मैं बताऊँ, चटपट फंड का जांच क्यों नहीं होती? अगर उन्होंने गलत किया तो जांच कराई जाए सीबीआई से, और गलत नहीं है तो वो अपने आप निकल जाएगी। अब इनका क्या हो रहा है मैं बताऊं, इनका मायावती लालू ये जितने भी गठबंधन ना, उन सब की बेचनी हो रही है। अगर मोदी अगर आगे ना, इन सबको जेल के अंदर जाना पड़ेगा, 100% इनको जाना ही पड़ेगा। ये सब चाह रहे हैं कि मोदी नहीं आए, बस यही एक चाह है। तो ये तो बोल रहे हैं कि चिटफंड जो घोटाला है, शारदा चिटफंड घोटाला, उसकी जांच क्यों नहीं होने देगा? कौन रोक रहा है? किसने तो सीबीआई के अंदर क्यों डाला? तो सीबीआई के अंदर क्यों डाला? सरकार की दादागिरी के कारण सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी ने ये कदम उठाया। वो तो घोटा कोर्ट बताएगी, अब आप और हम थोड़ी सुप्रीम कोर्ट ने भेजा उसको, सीबीआई को जांच से तो रोका जा रहा है, रात से रोका नहीं जा रहा है। ये तो भेजा किसको उसको, जो ये आदेश किसका है? आदेश किसका? सुप्रीम कोर्ट का जज का है, दादागिरी के कारण नहीं, दादागिरी का है, सुप्रीम कोर्ट का जज क्या आदेश है? सुप्रीम कोर्ट थोड़ी, सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम कोर्ट की नहीं, केंद्र सरकार की दादागिरी है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के जज ने दिया है, लगे को बीजेपी दिया, मोदी ने दिया, टाइम लगेगा। अभी मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया है, नॉर्मल पीपल वालों, नॉर्मल से लेकर बदर क्लास वालों के लिए 5 लाख का इन्होंने इनकम टैक्स फ्री किया है, ठीक है, ये बहुत अच्छी है। कोई माइकल लाल इसके 2.5 लाख का 5 लाख नहीं कर सकता है। दूसरी बात, अब इन्होंने 2.5 लाख 5 लाख किए तो अभी क्या बोल रहा है कि वोट है, चलो कोई बात नहीं वोट है। जब राजस्थान एमपी के राजस्थान एमपी के वोट हुए थे तब इन्होंने क्या जुमले किए, क्या जुमले किए, किसान सरकार को कर्जा माफ किया जाएगा, यूरिया खाद माफ की जाएगी, कहा दिया इन्होंने यूरिया का, यूरिया वाले के लिए 250 रुपए कटा था, 700 रुपए कटा हो रहा है। ममता के गुंडराज के बारे में आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल अपना इंडिया पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।